हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर। आज हम यूनिट नंबर 4 गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीएसटी के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, उसके कुछ बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शंस, फिर जीएसटी का ओवरव्यू, जीएसटी की कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ छोटू छोटू सम्स देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जीएसटी समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ टैक्सेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, अ टैक्स विच इज पेड बाय पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिस पर्सन पे टैक्स इम्पोज हुआ हो, वही पर्सन खुद टैक्स पे करे, उसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। एंड सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? तो जिस पर्सन पे टैक्स इम्पोज हुआ हो, वो अपना बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पर्सन पे ट्रांसफर कर दे, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। व्हेन अ पर्सन पास हिज टैक्स लायबिलिटी टू सम अदर पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 1, कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, तो उसके पहले हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अवेलेबल थे, एप्लीकेबल थे। तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वन एंटिटी इन द टोटल सप्लाई चेन, बट अल्टीमेटली इट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर और कंज्यूमर बाय एडिंग द सेम इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब हमें पता है कि जो टैक्स होता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करता है? तो बिजनेस एंटिटी इन द टोटल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन हमें पता है, फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर एंड देन लास्ट वन इज कस्टमर या फिर कंज्यूमर। तो जो टोटल सप्लाई चेन होती है, उसमें से बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन बिजनेस एंटिटी क्या करता है? तो वो अपना बर्डन ऑफ टैक्स अल्टीमेटली कस्टमर को पास कर देता है। सपोज हम एग्जांपल ले कि हमने 5 रुपये का पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट लिया, तो 5 रुपये के बाजू में जो MRP के अंदर लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, तो उसकी प्राइस के अंदर ही जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इंक्लूड हो जाता है। तो अल्टीमेटली टैक्स कौन पे करता है? तो कस्टमर या फिर कंज्यूमर। क्लियर? द अल्टीमेट कस्टमर या फिर कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज पेइंग द टैक्स बाय पेइंग मोर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर? बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर एप्लीकेबल इन इंडिया हैव मेड द स्ट्रक्चर वेरी क्लम्सी। क्लम्सी मतलब अणगढ़। ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसीजरल कंप्लायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल लिमिटेशंस एट्सेट्रा। तो जीएसटी के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्ट्रक्चर था, वो वेरी क्लम्सी मतलब अणगढ़ था। किस लिए? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिमिटेशन है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? तो उसके लिए हमें याद रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक सनी देओल का मूवी का डायलॉग है
कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पर क्या याद रखना है हमें, टैक्सेस पर टैक्सेस, टैक्सेस पर टैक्सेस। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। सपोज हमने कोई एक टैक्स लगा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये हटाने के लिए हमने GST एप्लीकेबल किया। देन दूसरी लिमिटेशन है डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसीजरल कंप्लायंस। तो ये जो टैक्स पे करने की प्रोसीजर थी वो वेरी डिफिकल्ट एंड लेंदी थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल लिमिटेशंस। तो ये सभी लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमने GST एप्लीकेबल किया। क्लियर? देयर वर वेराइड इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। जब GST इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से एप्लीकेबल थे? तो सेंट्रल लेवल के एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा, एंड स्टेट लेवल के सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एट्सेट्रा। क्लियर? तो ये सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा दिया और उसकी जगह पे एक ही टैक्स अब एप्लीकेबल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द GST इन 1954, एंड सिंस देन एन एस्टिमेटेड 160 कंट्रीज हैव अडोप्टेड दिस टैक्स सिस्टम इन सम फॉर्म और अनदर। मतलब फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने GST अप्लाई किया था इन 1954 में। देन अभी फिलहाल 160 कंट्रीज में GST सिस्टम चल रही है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मूटेड एन आइडिया टू रिप्लेस द प्रेजेंट इनडायरेक्ट टैक्स बाय अ न्यू एंड कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स, नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज GST, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस रद्द कर दिए, अबॉलिश कर दिए, एंड 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम का इनडायरेक्ट टैक्स इम्प्लीमेंट किया। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स दैट इज अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स है जो कुछ गुड्स एंड सर्विस पे अप्लाई होता है। मतलब गुड्स एंड सर्विस पे ही अप्लाई होने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। द बिजनेस एड्स द GST टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अ कस्टमर हु बाइज द प्रोडक्ट पेज द सेल्स प्राइस प्लस GST, एंड द GST पोर्शन इज कलेक्टेड बाय द बिजनेस और सेलर एंड फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब GST जो है वो बिजनेस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा उसमें उसकी सेलिंग प्राइस पे प्लस कर देगा, और जो GST जो है वो बिजनेस या फिर सेलर कलेक्ट करेगा और वो किसको फॉरवर्ड करेगा? तो गवर्नमेंट को। मतलब GST पर एक पे करेगा कस्टमर किसको? बिजनेस को, एंड बिजनेस वो GST पोर्शन फॉरवर्ड कर देगा गवर्नमेंट को। मोस्ट कंट्रीज विथ अ GST हैव अ सिंगल यूनिफाइड GST सिस्टम, विच मीन्स दैट अ सिंगल टैक्स रेट इज अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जिन देशों में GST सिस्टम अप्लाइड है उसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक ही सिंगल टैक्स रेट जो है अप्लाई होता है पूरी कंट्री में। सपोज पहले क्या होता था कि गुजरात में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके रेट अलग होते थे, और जो दूसरे राज्य होते सपोज महाराष्ट्र हम ले लेते तो उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके रेट अलग होते। तो GST में क्या होगा कि पूरे देश में सभी राज्यों में एक ही सिंगल टैक्स रेट अप्लाई होगा। क्लियर? तो ऐसे सभी देशों में ऐसे यूनिफाइड GST सिस्टम अप्लाइड है। अ कंट्री विथ अ यूनिफाइड GST प्लेटफॉर्म मर्ज सेंट्रल टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स,
with state level taxes. State level taxes कौन से? Entertainment tax, entry tax, transfer tax and luxury tax, and collects them as one single tax. मतलब central taxes and state level taxes, केंद्र सरकार के indirect taxes and state level के राज्य सरकार के indirect taxes, वो सभी को मर्ज कर दिया और वो सभी को एक ही single tax के अंदर collect करना शुरू कर दिया, that is GST system. Anyone selling goods or providing services worth more than rupees 20 lakhs must get registered under GST system. मतलब जिस बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो उसे कंपलसरी जीएसटी टैक्स सिस्टम में रजिस्टर होना कंपलसरी है. टैक्स पेयर्स विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर of rupees 20 lakhs would be exempted from tax with effect from 1st April 2019. The limit raised to rupees 40 lakhs. मतलब जो टैक्स पेयर होता है उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से कम हो तो उसे कोई भी जीएसटी टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन उसे रजिस्टर तो करवाना होता है, लेकिन उस पर जो टैक्स लगेगा वो नील होगा. मतलब उसकी सारी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी होगी वो सभी एग्जम्प्टेड रहेगी. लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है. तो जब तक 40 लाख के नीचे टर्नओवर रहेगा कोई भी टैक्स पेयर का तो उसे कोई भी जीएसटी टैक्स पे नहीं करना होगा. एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स द एग्जम्प्टेड लिमिट वुड ऑफ रुपीज 10 लाख with effect from 1st April 2019, the limit raised to rupees 20 lakhs. मतलब जो special category states में आते हैं, मतलब North Eastern, उत्तर पूर्वीय राज्य, तो उन वहाँ क्या होगा कि उनका turnover 10 लाख से कम हो तो वो exemption में आएगा. लेकिन 1 April 2019 से ये limit बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है for special category states. Next question, salient features or characteristics of goods and service tax. मतलब GST के जो main characteristics है उसके बारे में हम discussion करेंगे. One nation, one tax concept. हमें पता है कि सभी indirect taxes जो है उसको abolish कर दिया और उसकी जगह पे one nation, one tax implement हुआ GST. The GST is a common indirect tax for the entire country which shall provide one integrated market. It is a single tax on the supply of goods and services right from the manufacturer to the ultimate consumer. By integrating huge number of central and state taxes into a single tax, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट के सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश करके या फिर इंटीग्रेट करके उसको एक ही सिंगल टैक्स के अंदर कवर कर दिया, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो सभी जो बिजनेसमैन होंगे उनको एक कॉमन इंटीग्रेटेड मार्केट मिलेगा कि भाई टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना होगा, और स्टेट वाइज जो अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस थे तो वो भी अब हट गया. मतलब सभी के लिए कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स. इसको हम इजीली इस तरह समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ये दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों का एडिशन कर दिया तो उसकी जगह पे एक ही कॉमन टैक्स आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स. टैक्स प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन वॉज एप्लीकेबल इन द ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. हावेवर द जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अहमदाबाद के कोई सप्लायर है जिन्होंने मुंबई में
गुड्स सप्लाई किया है। तो जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर होता था उसका लोकेशन कंसिडर किया जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अहमदाबाद के जो सेलर है उनका टैक्सेशन का लोकेशन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जीएसटी में क्या हो गया है कि जो रेसिपिएंट होता है, जो बायर होता है, उसका लोकेशन कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुंबई जो है वो लोकेशन ऑफ बायर का वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। मतलब जो बायर या फिर रेसिपिएंट होता है उसका लोकेशन कंसिडर करके हम टैक्स रेट जो है अप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल मतलब नाम से ही पता चलता है कि दो का मर्जर। अब कौन सा दो का मर्जर होगा? तो हमने आगे देखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस थे उनका मर्ज हुआ है। द ड्यूअल जीएसटी मॉडल हैज़ बीन क्रिएटेड विथ द सेंटर एंड द स्टेट्स साइमल्टेनियसली लेविंग जीएसटी ऑन अ कॉमन बेस। द जीएसटी टू बी चार्ज बाय द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एंड दैट टू बी इम्पोज्ड बाई स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरेटरीज विथ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी, दैट इज एसजीएसटी। यूनियन टेरेटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेचर शैल इम्पोज यूनियन टेरेटरी जीएसटी, दैट इज यूटीजीएसटी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो सीजीएसटी कहलाएगा एंड जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो एसजीएसटी कहलाएगा। मतलब जो टैक्स रेट होगा उसका हम बाइफर्केशन करेंगे दो में, स्टेट गवर्नमेंट में एंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका बोला जाएगा यूटीजीएसटी। क्लियर? यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ये हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई में टैक्स रेट अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स ऑफ स्टॉक, एन इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज नोन एज आईजीएसटी शैल बी इम्पोज्ड। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाइज एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। मतलब जब इंटर स्टेट सप्लाई हो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तब हम आईजीएसटी जो है अप्लाई करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य के ट्रांजेक्शन पर। एंड जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ पर भी हम आईजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। मतलब जब एक राज्य के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा और उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अप्लाई होगा जो कि हमने आगे देखा। एंड जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजेक्शन होता है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा एंड उसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट फीचर रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी बिजनेस यूनिट रजिस्ट्रेशन कब करवाएगा? तो हमने आगे उसकी लिमिट देखी है, 20 लाख से ऊपर अगर उसका टर्नओवर जाता है तो। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द थ्रेशोल्ड लिमिट इज क्रॉस। रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी ग्रांटेड स्टेट वाइज पान बेस्ड 15 डिजिट्स जीएसटीन और यूआईएन। मतलब जब थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 20 लाख की लिमिट है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये लिमिट बढ़ाकर 40 लाख मतलब 40 लाख कर दी गई है, तब उससे ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन होता है, टर्नओवर होता है, तो 30 दिन के अंदर वो बिजनेस यूनिट को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर देनी है एंड उसे एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा या फिर जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। पान बेस्ड मतलब जो पान रजिस्टर्ड हुआ है परमानेंट अकाउंट नंबर उसके हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट फीचर मर्जर ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो मर्ज हुए हैं, उसकी लिस्ट हम देखेंगे। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड
the following taxes which used to be levied and collected by the center. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करती थी एंड कलेक्ट करती थी वो कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेकेंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, थर्ड एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स इफ स्पेशल इम्पोर्टेंस, फोर्थ एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स कॉमनली नोन एज CVD, नेक्स्ट स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स दैट इज SAD, नेक्स्ट सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस एज फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये जो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो सभी मर्ज होकर अब एक ही टैक्स के अंदर कवर कर दिए गए, दैट इज GST. नेक्स्ट वैसे ही मर्जर ऑफ स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब राज्य सरकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सभी को भी मर्ज करके GST में रिप्लेस कर दिया. GST हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग टैक्सेस विच यूज्ड टू बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. फर्स्ट स्टेट VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेकेंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, नेक्स्ट लग्जरी टैक्स, फोर्थ एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट टैक्स एंड अम्यूजमेंट टैक्स एक्सेप्ट व्हेन लेवीड बाय द लोकल बॉडीज, नेक्स्ट टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, नेक्स्ट परचेस टैक्स, एट्थ टैक्सेस ऑन लॉटरीज बैटिंग एंड गैम्बलिंग, नाइन्थ स्टेट सरचार्ज एंड सेसिस ऑफ सो फार एज दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये जो स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सभी को मर्ज करके GST के अंदर कवर कर दिया गया. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द टैक्सेस नॉट कवर्ड बाय GST. जो GST टैक्सेशन सिस्टम में अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इम्पोज्ड बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर सब्स्यूम्ड बाय द GST. मतलब GST के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर नहीं किए हैं वो, फर्स्ट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, सेकेंड ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, थर्ड स्टैम्प ड्यूटी, फोर्थ प्रॉपर्टी टैक्स, फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सिक्स्थ टोल टैक्सेस, सेवन्थ रोड टैक्स, एट्थ प्रोफेशनल टैक्स, नाइन टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज क्रूड पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस एंड ATF, टेन टैक्स ऑन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. हावेवर द टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू GST इन एडिशन टू द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज्ड बाय सेंटर. मतलब जो ये 10 इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अभी फिलहाल में चल रहे हैं, वो अभी GST के अंदर कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन जो टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट्स है उस पर GST भी लगता है एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी इम्पोज होती है GST अलावा उसके एडिशन में. क्लियर. नेक्स्ट जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट. मतलब पहले क्या था कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुजरात में हो तो उसकी लिमिट जो है टर्नओवर की वो कुछ अलग होगी, महाराष्ट्र तमिलनाडु ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट हो तो उसमें टर्नओवर की लिमिट जो है स्टेट वाइज अलग अलग रहती थी, लेकिन GST में सभी स्टेट मतलब पूरी कंट्री के लिए कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी कि 20 लाख, या फिर अभी जो 1 अप्रैल 2019 से लिमिट बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है तो सभी के लिए 40 लाख की लिमिट रहेगी, उसके ऊपर GST पे करना रहेगा. मतलब सभी के लिए एक कॉमन लिमिट. क्लियर.
चलिए अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अ कॉमन थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बोथ CGST एंड SGST। टैक्स पेयर्स विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 20 लैक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल नंबर 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जेम्पशन लिमिट इज रुपीज 10 लैक्स। द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन इज ऑप्शनल। मतलब जो कॉमन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कॉमन एनुअल टर्नओवर, वो 20 लाख है। अगर 20 लाख से नीचे टर्नओवर है तो वो एग्जेम्पशन में रहेगा। एंड इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो वहाँ पर जो लिमिट है वो 10 लाख है, क्लियर। लेकिन ये जो लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है, कब से? 1 अप्रैल 2019 से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। द लिमिट रेज्ड टू रुपीज 40 लैक्स इन नॉर्मल स्टेट्स एंड रुपीज 20 लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रेट्स ऑफ टैक्सेस, मतलब GST का जो टैक्स स्लैब है वो CGST, SGST और UTGST एंड IGST आर इम्पोज्ड एट रेट्स एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द GST काउंसिल। वेरियस रेट्स ऑफ GST आर इम्पोज्ड रेंजिंग फ्रॉम 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% स्पेशल रेट्स फॉर दोज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब ये जो हमें टैक्स स्लैब दिया गया हुआ है कि 0% से लेके 28% तक का टैक्स स्लैब है, और वो रेट्स के अंदर जो है प्रोडक्ट्स डिवाइड कर दी गई है, क्लासिफाइड कर दी गई है। और जो कंपोजिशन स्कीम है उसका हम मेन जो डिटेल में क्वेश्चन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एक अलग स्पेशल रेट्स होता है, तो ये जो टैक्स स्लैब है वो GST का है, क्लियर। नेक्स्ट, कंपाउंडिंग ऑफ कंजम्पशन स्कीम। अब ये जो स्कीम है वो स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर के लिए डिजाइन की गई हुई है। द कंपाउंडिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर GST इज ऑप्शनल एंड अल्टरनेटिव मेथड स्पेशली डिजाइन फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 1 करोड़ एंड रुपीज 75 लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो आते हैं उनके लिए 75 लैक्स से कम हो, तो यही जो टैक्स पेयर होंगे वो ये स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे। अब इसमें क्या होगा कि टर्नओवर इससे कम है ये लिमिट से, तो उनको एक फिक्स रेट पे GST पे कर देना है। 0% से लेके 28% का जो टैक्स लैब है उसके अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ये स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। तो फिक्स रेट पे इनको टैक्स पे कर देना है अगर 1.5 करोड़ या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लैक्स ये लिमिट से कम टर्नओवर हो, तभी ये स्कीम का हम बेनिफिट ले सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोस्ट टाइम पे हम क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा जा चुका है। फर्स्ट बेनिफिट, एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हमने आगे देखा हुआ है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ पॉइंट्स जो टैक्सेस के थे उन सभी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इम्प्लीमेंट होने से रद्द कर दिया, मतलब एलिमिनेट हो गया। इन GST ऑल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस मर्ज, सो इट डेफिनेटली पुट अ स्टॉप टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। GST इज अ यूनिफॉर्म टैक्स, शैल बी अवेलेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। मतलब मल्टीपल लेवल जो पॉइंट्स थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के वो सब
दूर कर दिए और उसके जगह पे एक ही टैक्स आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब एक ही बार टैक्स पे करना रहता है, टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना रहता है, तो ये मेन बेनिफिट है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अब जीएसटी इंप्लीमेंट होने से जो टैक्स रेवेन्यू थी वो इंक्रीज हुई है एंड हमारे जीडीपी में जो है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है। देयर मे ऑल्सो बी रेवेन्यू गेन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट ड्यू टू विडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, इंक्रीज इन ट्रेड वॉल्यूम्स एंड इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। मतलब जो हमारा ट्रेडिंग था, ट्रांजेक्शन्स था, उसका वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से टैक्स भी ज़्यादा मिला है गवर्नमेंट को। तो जीएसटी आने से, ट्रांजेक्शन बढ़ने से, ट्रेडिंग ज़्यादा होने से टैक्स की रेवेन्यू भी ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट बेनिफिट, कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट मार्केट। अब जीएसटी आने से एक जो मेन लिमिटेशन थी, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, वो दूर हो गई, तो उसके कारण से कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट मार्केट हुआ। कैसे? तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड ऑल्सो मेक अवर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। स्टडीज शो दैट दिस वुड इंस्टेंट स्पूर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जीएसटी आने से जो मल्टीपल लेवल ऑफ पॉइंट्स थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसके जगह पे अब एक बार टैक्स पे करना रहता है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर थे या फिर बिजनेसमैन थे, उनको कम टैक्स पे करना रहता है। अगर कम टैक्स पे करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतने ही मार्केट में तेज़ी रहेगी। तो उसके हिसाब से जो हमारा मार्केट था वो कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि सभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट एडवांटेज, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। दिस टैक्स बिकॉज ऑफ इट ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर वुड बी इजियर टू एडमिनिस्टर। मतलब ये जो जीएसटी है वो हमें ऑनलाइन पे करना रहता है, तो उसके हिसाब से ये जो पूरी प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। मतलब कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से उसका जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है तो वो इजी हो गया। नेक्स्ट, स्पीडी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो हमारी चेन है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कस्टमर, ये जो चेन है वो स्पीडी हो गई जीएसटी से। देयर वुड बी एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो गया है, उसमें जो टर्नओवर है वो इंक्रीमेंट हुआ है, उसका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ प्राइस। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो थे वो रेट ऑफ टैक्सेस एकदम हाई थे, और जीएसटी में रेट वो अभी एकदम कम हो गए, तो उसके हिसाब से जो प्राइस में है रिडक्शन हुआ है। एज ड्यू टू जीएसटी द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, दैट इज टैक्स ऑन टैक्सेस, शैल बी रिमूव्ड। एंड सेकेंडली, द ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, शैल बी अवेलेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेस ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। मतलब जो टैक्स पर टैक्स थे, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, वो एलिमिनेट हो गई। एंड सेकेंडली, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जो टैक्स हमें पे करना होता है वो हमें बाद में रिफंड मिल जाता है, मतलब क्रेडिट मिल जाती है, तो उसके हिसाब से जो हमारा प्राइस होगा वो रिड्यूस होगा। सो नाउ द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। दिस शैल लीड टू रिडक्शन इन द प्राइसेस चार्ज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। क्लियर? तो
जीएसटी से और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस होगी वो रिड्यूस होगी और उसके हिसाब से हमारा जो टर्नओवर है वो इंक्रीमेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट बेनिफिट, सिंपलर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। जीएसटी शैल प्रोवाइड सिंपलर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर विथ अ फ्यूअर एग्जेम्पशंस। मतलब हमारा जो पहले का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जीएसटी आने से वो सिंपल हो गया है। हमारा पूरा जो कर प्रशासन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जीएसटी से एकदम सिंपल हो गया है। मतलब वन नेशन वन टैक्स, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन अब नहीं रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट, लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें टैक्स रेट एकदम हाई थे, लेकिन जीएसटी में हम देख सकते हैं कि 0% से लेके 28% तक सिंपल हो गए, टैक्स लेव एकदम कम हो गया है। फॉर द कंज्यूमर द बिगेस्ट गेन वुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन गुड्स विच इज करंटली एस्टिमेटेड एट 25% to 30%। हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर को पे करना होता है, तो कस्टमर पहले जो था इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो ज़्यादा टैक्स पे करता था, लेकिन जीएसटी आने से अराउंड 25% to 30% जो है उसका टैक्सेशन बर्डन कम हो गया है जीएसटी से। मतलब हम कह सकते हैं कि कस्टमर का जो टैक्स बर्डन है वो जीएसटी से 25% to 30% कम हो गया है। नेक्स्ट बेनिफिट, रिडक्शन इन केसेस ऑफ टैक्स इवेजन। मतलब टैक्स कर चोरी अभी जो है वो एकदम रिड्यूस हो गई है, क्योंकि जो जीएसटी हमें पे करना होता है वो ऑनलाइन हो गया है। मतलब ऑनलाइन होने से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो उस हिसाब से जो टैक्स चोरी थी वो भी कम हो गई। इट वुड रिड्यूस द चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन। क्लियर। नेक्स्ट बेनिफिट, शिफ्ट टुवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब हमारा पहले का जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था वो अनऑर्गेनाइज्ड था, मतलब असंगठित, लेकिन जीएसटी ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के टैक्सेस को मर्ज कर दिया और एक ही कर अभी एप्लीकेबल है, जीएसटी। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इट वुड प्रमोट द शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर। मतलब अभी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस एक हो गए हैं, तो वो संगठित हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो अनऑर्गेनाइज्ड था एंड अभी फिलहाल जो जीएसटी है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट मेन बेनिफिट हम कह सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देयर वुड बी सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ITC, द सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर एबल टू रिकवर जीएसटी इनकर्ड ऑन इनपुट कॉस्ट एज टैक्स क्रेडिट्स। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दस इनेबलिंग फेयरर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि हम जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम आउटपुट टैक्स के जरिए हम रिकवर कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एक मेन इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो जीएसटी पे करता है वो रिकवर हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट से, तो उसके हिसाब से जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो कस्टमर के लिए कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो फेयर होगी। मतलब वो ज़्यादा प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको जो इनपुट टैक्स लगता है वो उनके लिए क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बेनिफिट, कॉमन प्रोसीजर्स। मतलब सभी के लिए एक कॉमन प्रोसीजर। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में क्या था कि स्टेट वाइज अलग प्रोसीजर थी। जीएसटी प्रोवाइड्स कॉमन टैक्स बेस, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, रिफंड ऑफ टैक्सेस, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स ऑफ टैक्स रिटर्न,
common system of classification of goods and services. This shall provide the businesses a greater faith to taxation system. मतलब पहले स्टेट वाइज जो थी टैक्स रिटर्न, टैक्स रिफंड, टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो सब अलग अलग प्रोसीजर थी, लेकिन वन नेशन वन टैक्स जीएसटी में पूरे देश के लिए एक कॉमन प्रोसीजर रहेगी, तो उसके हिसाब से सभी बिजनेस के लिए एक कॉमन फेथ रहेगा, मतलब ट्रस्ट हो जाएगा टैक्सेशन सिस्टम में. क्लियर, सभी के लिए कॉमन. नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस. पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट वाइज अलग अलग रहते थे, तो प्राइसेस भी कोई भी प्रोडक्ट हम ले ले तो उनके लिए अलग अलग रहती थी, लेकिन एक ही इनडायरेक्ट टैक्स अभी एप्लीकेबल है, जीएसटी. पूरे देश में जीएसटी है, तो उसके हिसाब से पूरे देश में जो प्राइसेस है प्रोडक्ट के वो यूनिफॉर्म हो गए, मतलब सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही प्राइस. ड्यू टू जीएसटी बीइंग वन नेशन वन टैक्स, the prices of the goods or services shall be uniform in the whole of the country. Clear? Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.